इस जंगल में रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। सुबह सुबह जब वह सो के उठती है तो बाहर देखती है कि कूड़ा पड़ा हुआ है। ओहो, ये भूरी कौवी ने फिर से यहाँ कचरा डाल दिया। मुझे समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों करती है। आज मुझे इससे बात करनी होगी, रोज का काम है जब देखो यहाँ कूड़ा कचरा डाल देती है। मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ। ऐसी रानू चिड़िया भूरी कौवी के पास जाती है। भूरी बहन, आप मुझे ऐसे क्यों तंग करती हैं? आज आपने फिर से कचरा मेरे घर के आगे डाल दिया। वो कचरा तुम्हारी तरफ से आया हुआ था, मैंने उठा के तुम्हारे घर के सामने डाल दिया, इसमें गलत क्या है ये बताओ। उड़ के मेरे घर की तरफ आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। भूरी बहन, मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारी। पड़ोसी तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, सुख दुख में मदद करते हैं, पर ऐसे कौन करता है? चल चुप कर छोटी चिड़िया, तू क्या मेरी मदद करेगी? तू तो एक छोटी सी कमजोर चिड़िया है, तू कहाँ मेरी मदद कर पाएगी। चल पड़ी आई, भाग यहाँ से। ऐसे वह चिड़िया वहां से चली जाती। मम्मा, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आज फिर भूरी आंटी ने आपको परेशान किया? हाँ बेटे, ऐसी पड़ोसी तो भगवान किसी को ना दे, बहुत दुखी करती है ये भूरी की बच्ची। मम्मा मम्मा, आज तो आप बहुत खुश हैं, क्या आपने रानू आंटी को मारा है क्या? नहीं, अभी मारा तो नहीं है मैंने, लेकिन मौका मिलेगा छोड़ूंगी भी नहीं। मम्मा मम्मा, मुझे भी गुड्डू को मारना है मम्मा। मेरे भी ही गया है बिल्कुल। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, रात हो जाती है, दोनों माँ बेटे सो रहे होते हैं। तभी अचानक राजू रोने लगता है। मम्मा उठो मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। राजू, कई बार कहा है ज्यादा मकई के दाने ना खाया करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। मम्मा मम्मा, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए दवा लेके आए, मुझसे सहा नहीं जा रहा। भूरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, राजू के पेट में दर्द है, मैं दवा कैसे लेके आऊं? वह बेचारी उड़ती है, वह सीधा बुलबुल के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। क्या बात है इतनी बारिश में? भूरी, सब ठीक तो है ना? राजू, राजू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे पास पेट की कोई दवाई है? मेरा बच्चा बहुत तड़प रहा है। नहीं, मेरे पास तो कोई दवा नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चे के बहुत दर्द है पेट में। तुम एक काम करो, कुछ दिन पहले रानू चिड़िया भी मेरे से दवाई लेके गई थी, हो सकता है उसके पास रखी हो, जाके उससे मांग लो। नहीं, मैं नहीं जा सकती उसके पास। ऐसा कह के वह अपने घर लौट आती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, आप दवाई नहीं लाए क्या? मैं दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ माँ। अरे बेटा, आज रात कैसे ना कैसे तुम काट लो, तुम्हारी मम्मा कल जरूर दवा ले आएगी। नहीं, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ माँ। ऐसे जग्गू बहुत तेज तेज रोने लगता है। भूरी को राजू रोता हुआ देखकर, तड़पता हुआ देखकर रहा नहीं जाता,
वह मजबूरन घर से निकलती है और सीधा रानू चिड़िया के घर पे दस्तक देती है। भूरी बहन, आप यहाँ, आप कहीं बारिश में लड़ने तो नहीं आ गई अब? अरे नहीं नहीं, मेरे राजू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई दवा है? दर्द की, पेट के दर्द की कोई दवा है? अरे भूरी बहन, बारिश में ना भीगे, आप अंदर आएं। गुड्डू भी उठ जाता है। क्यों आई हो आंटी आप यहाँ फिर से झगड़ा करने? आप जाओ, आप बहुत गंदी हो, जाओ यहाँ से। गुड्डू बेटा, ऐसे नहीं कहती। घर आए मेहमान को है तो ये हमारी पड़ोसी ही ना। कहने दो, कहने दो, हम है ही इस लायक। बाकी बाद में करेंगे। आप ये दवा ले और जल्दी से जाएं और उसे दवा पिलाएं। ऐसे भूरी कौवी अपने बेटे राजू को दवा देती है और वो सो जाता है। अगली सुबह भूरी कौवी अपने बेटे राजू के साथ रानू चिड़िया के घर पहुंचती है। रानू, आज मैं लड़ने या झगड़ने नहीं आई हूँ, मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। आज से हम सुख दुख के साथ ही। बुरी बहन, इसलिए तो कहते हैं पड़ोसी एक दूसरे का सुख का साथी होते हैं। अब वह रानो चिड़िया और बुरी कवि अच्छी दोस्त बन गई थी। गुड्डू, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? ऐसे गुड्डू और राजू भी दोस्त बन जाते हैं और दोनों खेलने निकल जाते हैं। एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपने पिता राजू चिड़िया के साथ रहती थी। पापा पापा, मेरी मम्मा कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? मेरा उनके बगैर मन नहीं लगता। प्लीज पापा, आप मम्मा को ढूंढ लाए, मैं उनके हाथ से ही खाना खाती हूँ। प्लीज पापा। हाँ बेटा, आपकी मम्मा जल्दी ही आ जाएंगी। उस नन्ही चिड़िया को क्या पता था कि उसकी माँ अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह तो भोजन की तलाश में गई हुई थी जो अभी तक लौट के ही नहीं आई। राजू चिड़े ने भी रानी चिड़िया को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, पर वह भी यह मान चुका था कि उसकी माँ अब कभी नहीं आएगी। अगली सुबह पिंकी चिड़िया कहती है, पापा आप आज मेरी मम्मा को ढूंढ लाएंगे ना पापा, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं ढूंढने जाता हूँ। राजू चिड़ा रोज रोज पिंकी से झूठ बोल के परेशान था, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची को सच बताना उसके बस में ना था। राजू चिड़ा भोजन की तलाश में निकलता है। रास्ते में उसे बिट्टू तोता मिलता है। राजू भाई, क्या हुआ, इतने परेशान कैसे हो? बस क्या बताऊं भाई, रानी के जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिंकी अभी छोटी है, रानी का सच मैं उसे नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि उसे मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। पिंकी मुझसे रोज रोज अपनी माँ को लाने की बात करती है। मैं भोजन की तलाश में जाऊँ, उसका ख्याल रखूँ, क्या करूँ? मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, पिंकी को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और तुम्हें घर की चिंता भी नहीं रहेगी। पिंकी भी अपनी नई माँ के साथ खुशी खुशी रहेगी। शाम को जब राजू चिड़ा घर आता है तो पिंकी फिर से वही सवाल करती है, पापा आप मेरी मम्मा को लेके आए? मेरी मम्मा अभी तक नहीं मिली आपको? पिंकी बेटे, भगवान जी ने आपकी मम्मा को ढूंढ निकाला है, पर वह देखने में थोड़ी अलग होंगी और हो सकता है उनका व्यवहार भी थोड़ा अलग हो। सच में पापा, मेरी मम्मा मिल गई कोई बात नहीं, होंगी तो वो मेरी माँ ही ना। ऐसे राजू चिड़ा एक चिड़िया से शादी कर घर आता है। ये देखो पिंकी, आपकी नई मम्मा। मम्मा आप कहाँ चली गई थी?
मैंने आपका बहुत इंतजार किया। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, वह चिड़िया अब पिंकी से चिढ़ने लगी थी। वह कुछ भी कहती तो उसे फटकार लगा देती। क्या तुमने मम्मा मम्मा लगा रखा है, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने आप खाना खाओ। जब देखो खाना आपके हाथ से खाऊंगी, आपके हाथ से खाऊंगी। मुझे नहीं खिलाना तुझे, अपने हाथ से खाना, खुद खाना खाना है तो खा, और हाँ अपना भोजन भी तो खुद ही ढूंढ के लाएगी। पर मम्मा मैं तो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं गई, मैं कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, जा यहाँ से। वह बेचारी रोने लगती है। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती है, पर उसे तो पता ही नहीं था कि किस दिशा में जाना है। वह झाड़ियों में फंस जाती है और जैसे तैसे बच के घर आती है। तभी वह चिड़िया कहती है, कुछ काम धाम नहीं होता है तुझसे, अब चल जाके पानी भर के ला। मम्मा मुझे नहीं आता। अब तो दिन पे दिन वह चिड़िया उस नन्ही चिड़िया पर अत्याचार करती ही जा रही थी। जब शाम को राजू चिड़ा घर आता है तो देखता है कि पिंकी के चोट लगी हुई है। वह पूछता है, पिंकी बेटे ये चोट कैसे लगी। वह कुछ बोलती है, उससे पहले वह चिड़िया बोल पड़ती है, अरे बच्चों का क्या है, खेलते खेलते लग गई, बच्ची है, मन तो करता ही है खेलने का। ऐसे वह झूठ बोलकर असली बात छिपा देती। अगली सुबह राजू चिड़ा काम पे निकल जाता है। पड़ोस में रहने वाले पक्षी दिन भर के कामों को देखा करते कि कैसे वह चिड़िया पिंकी चिड़िया के साथ बदसलूकी करती है। उन पक्षियों ने इस बार उस नई चिड़िया को समझाने की कोशिश की। सुनो चिड़िया, ये अभी छोटी है, तुम इसके साथ अच्छे से व्यवहार करा करो, जिससे वह अपनी माँ को भूल जाए। तुम थोड़ा प्यार से बात किया करो। देखो भाई, दूसरों के घर में टांग कम अड़ाया करो, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे मत समझाओ, जाओ यहाँ से, आई बड़ी वकालत करने। देखो तो इसे कितने जुल्म करती है ये, इतनी सी बच्ची पे। राजू चिड़े को तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, उसके सामने तो बहुत ही भली बनती फिरती है। क्यों ना हम ये बात राजू चिड़े को बताएं। सभी पक्षी राजू चिड़े के पास जाते हैं। राजू चिड़े, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी पत्नी पिंकी पर बहुत जुल्म करती है, वह नन्ही सी बच्ची को मारती है, पीटती भी है, जब तुम चले जाते हो तो उस पर अत्याचार करती है। जब हम उसे समझाने गए तो हमें ही भगा दिया, वह तुम्हारे सामने अच्छे होने का नाटक करती है। राजू चिड़े को इस बात से बहुत धक्का लगता है। मेरी बच्ची ये बात भी ना बता पाई कि ये चोट कैसे लगी, अब मुझे बात समझ आई कि मेरी बच्ची अब कुछ क्यों नहीं बोलती है। रानी तुम कहाँ चली गई, तुम्हारे बगैर हमारी बच्ची का बहुत बुरा हाल है, पर अब नहीं, मैं अभी जाके ही उसे अपनी बच्ची से दूर कर दूंगा हमेशा के लिए। इधर नई चिड़िया ये सोच के कि राजू चिड़ा भी कहाँ आएगा, उसकी छोटी छोटी बात पर ही उसको पीटने लगती, तो उसकी छड़ी कोई पकड़ लेता है। अब और नहीं चिड़िया मैडम, बस बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी बेटी का हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। पिंकी देखती है कि वह तो उसकी असली माँ रानी है। मेरी बच्ची, मम्मा मम्मा आप आ गए, मम्मा आप कहाँ चली गई थी, ये मेरी मम्मा नहीं है। मम्मा मुझे ये बहुत मारती थी। तभी राजू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। हाँ मेरी बच्ची, अब मैं आ गई, मुझे शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया था और शहर ले गया था। वहाँ एक भला जानवर बंदर भाई ने मेरी सहायता की और मैं यहाँ आ पाई। राजू रानी को देख के बहुत खुश था। फिर वह राजू चिड़ा उस चिड़िया से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खराब चिड़िया हो, तुमने बिन माँ की बच्ची को इतनी तकलीफ दी, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। वह चिड़िया ये सोच के कि कहीं सब मिलके मेरी पिटाई ही ना कर डाले, वह चुपचाप वहां से चली गई। और फिर तीनों फिर से साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।